माइंड को रिलेटेड से आते हैं। देखो सिलेबस क्या है, बहुत सारा चेंज हो गया है ना। तो आज हमको देखना है टेक्नोलॉजी, ठीक, क्या देखना है टेक्नोलॉजी। और ये आपका पहला पेपर था, फर्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी, है ना। पहला पेपर है कौन सी यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को आपको क्या क्या पढ़ना है, जितने भी मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम जो मेजर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है ना, यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, जो टेक्सॉन का मतलब होता है कंपू। देखो यहाँ से देखो तो टेक्सॉन, इनको आप लोग देखोगे पूरा देखो ध्यान से, जो टेक्सॉन होता है इधर देखो ध्यान दो, टेक्सॉन टेक्सॉन का मीन होता है अब्रू, ठीक है। टेक्सॉन का मतलब क्या होता है अब्रू, और नॉमी का मतलब होता है बॉन्डेड, है ना। मामस मामस का होता है बॉन्डेड। तो हम टेक्सोनॉमी के अंदर में कोई भी प्लांट को समूह का, है ना, हम क्या कहते हैं पौधे के जो लक्षणों के आधार पर समूह का अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर समूह, है ना, लक्षणों के आधार पर प्लांट समूह का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है टेक्सोनॉमी। अब देखेंगे तो टेक्सोनॉमी में, है ना, अब देखो साइंस की वो जो शाखा जहां पर टेक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, देखो जहां पर इस समूह का जो अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाता है टेक्सोनॉमी, है ना, वर्गीकी कहलाता है। अब देखेंगे जो वर्गीकी में, है ना, क्या किए थे, जो पादप और जंतु का जो नामकरण क्या करते हैं, ग्रुप सब डिवीजन डिवीजन सब डिवीजन, है ना, फिर क्या है क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस, इस प्रकार से हम क्या करते हैं एक व्यवस्था बनाते हैं अरेंज करते हैं, और उस व्यवस्था के साथ हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए अभी देखो जो आर्यन कॉलेज जितने भी जो बच्चे हैं, है ना, अब बाहर से देखेंगे क्या बोलेंगे सब आर्यन कॉलेज के बच्चे, ठीक। उसके बाद फिर हम दो भाग बांटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक साइंस ग्रुप एक आर्ट ग्रुप मिलेगा, है ना। फिर आर्ट ग्रुप को पुनः बांटोगे तो क्या मिलेगा, एमए बीए, है ना, एमए और बीए मिलेगा। फिर बीए को फिर तीन भाग बांटोगे, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, लेकिन साइंस ग्रुप मिल जाएगा आपको बीएससी जो तीन भाग में डिवाइड है, कैसा है, पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पार्ट में किस डिवाइडेड है, है ना, गर्ल्स और बॉयज। फिर हार्दिक में क्या मिलेगा आपको, अलग अलग सब्जेक्ट मिलेगा, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कि सब क्या है आरएनएम कॉलेज के बच्चे हैं। उसी प्रकार हम जब प्लांट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लांट ग्रुप को भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए बांट करके पढ़ते हैं अलग अलग जो ग्रुप में, वो क्या कहलाता है टेक्सोनॉमी कहलाता है। अब देखेंगे तो टेक्सोनॉमी का सिस्टम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, अभी देखो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम यहाँ पर मेजर ग्रुप के तीन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तीन सिस्टम पढ़ेंगे। पहला सिस्टम का नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम, पहला सिस्टम क्या नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम, और तीसरा सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो तीन प्रकार के हम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहां पर देखेंगे, यहां पर जो किसने प्रकार का सिस्टम है, तीन प्रकार का आर्टिक
डिफिनेशन यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण है ना, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक या जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखो जो आर्टिफिशियल सिस्टम हम किसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम वो सिस्टम या वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें जो मुख्य लक्षणों के आधार पर है ना, कुछ सामान्य जो मुख्य लक्षणों के आधार पर यहाँ पर क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन किया जाता है, यह सिस्टम क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाता है। अब देखेंगे जो आर्टिफिशियल सिस्टम यहाँ वाला है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं जो बेसिक जो लक्षण है ना, यहाँ पर क्या रखे एक या एक से अधिक जो मुख्य लक्षण है उनके आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो प्रमुख जो वैज्ञानिक लोग थे वो क्या मानते थे यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम में, देखो प्लांट को लक्षण के आधार पर क्या ट्री और ठीक है, ये जो बेसिक जो छोटे छोटे जो लक्षण के आधार पर यहाँ पर जो बांट करके प्लांट को क्लासिफाई किया गया था, इनमें देखो पहला वर्गीकरण मिलता है थियोफ्रास्टस का 376 ईसवी का, इसका एग्जांपल में लिखना आर्टिफिशियल का पहला एग्जांपल थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम, थियोफ्रास्टस कितना 370 बीसी बिफोर क्राइस्ट है ना। दूसरा है केरामस लिनियस, केरामस लिनियस का सिस्टम, ये इनका क्या है एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिस्टम का। इसके बाद में जॉन रे, तीसरा इसका एग्जांपल जॉन रे, सिस्टम ये जो तीन सिस्टम है जो आर्टिफिशियल सिस्टम के एग्जाम्पल है। खैर हम इस पार्ट में इस सिस्टम को ज्यादा जोर देकर के नहीं पढ़ेंगे, बस इसका एग्जाम्पल में ही याद रखना है। तीन सिस्टम किसे किसका थियोफ्रास्टस, केरोलस लिनियस और क्या है जॉन रे का, तीन सिस्टम यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब देखेंगे दूसरा नेचुरल सिस्टम, तो नेचुरल सिस्टम में क्या करेंगे पौधे की जो उनकी रचनात्मक संरचना है ना, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन पौधे के जो स्ट्रक्चर डिसिप्लिन रचनात्मक संरचना और जो प्राकृतिक लक्षण के आधार पर ठीक है जी, इसका जो रचनात्मक समानता और नेचुरल एफिनिटी जो प्राकृतिक बंधुता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं पौधे को व्यवस्थित करते हैं वह क्या कहलाता है नेचुरल सिस्टम कहलाता है। पौधे में क्या जो रचनात्मक समानता जो पौधे को उसकी जो बनावट है उसकी समानता के आधार पर और नेचुरल एफिनिटी प्राकृतिक बंधुता के आधार पर पौधे को जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तब उसे क्या बोलेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पास दो एग्जांपल इस तरीके को एंटोनी या ऐसे लिख लो एएलडी जस्यू, ठीक एंटोनी लॉरेन डी जस्यू एग्जांपल इसका एंटोनी लॉरेन डी जस्यू का सिस्टम। और दूसरा है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम, इसका एग्जाम्पल में इसको जो हम पढ़ेंगे आगे चल करके बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर का सिस्टम है। ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे इसमें डिटेल पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का सिस्टम को, ठीक है नेचुरल सिस्टम में है ना बेंथम एंड हुकर सिस्टम को क्या करना है डिटेल में पढ़ना है। तो कौन कौन से आदत में है
जो लॉरेंट डी जेसलुका और बेल्थम एंड हुबर्ट। तो बेल्थम हुबर्ट को इसमें डिटेल पढ़ना है, इलेक्ट्रो सिस्टम है ना, और ये एग्जांपल में आपको आता है मेन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सिस्टम है फैलोजेनेटिक या जातिवृद्धि सिस्टम। तो फैलोजेनेटिक सिस्टम में हम क्या करेंगे, दो क्लासिफिकेशन, दो पद्धति में हम क्या करेंगे, प्लांट का ओरिजिन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर। यहाँ पर सस्ता आधार क्या है, देखो ओरिजिन इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो वह कहलाता है फाइलोजेनेटिक या जातिवृद्धि सिस्टम कहलाता है। प्लांट को अगर ओरिजिन इन द उत्पत्ति और उसका विकासात्मक इतिहास के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इनके जितने भी देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हम देखेंगे तो सब प्लांट का क्या मिलेगा, एक कलेक्टिव नेम मिलेगा, है ना, जो क्या करता है, जो अलग समूह के पौधे को क्या करता है, प्लांट को जोड़ता है। यहाँ पर हम पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल लिख लो एंगलर एंड द प्लांटर, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है एंगलर एंड द प्लांटर का। जो एंगलर एंड द प्लांटर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम की एग्जाम्पल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्या होता है, ये तो इसको पूछेगा या इसको पूछता है ना, बेल्थम एंड हुबर्ट या एंगलर प्लांटर का कोई एक क्लासिफिकेशन को हर साल बेल्थम हमारा पूछता है। इसके अलावा एग्जाम्पल लिख लो हंटिंगटन का, है ना, हंटिंगटन का क्लासिफिकेशन सिस्टम या एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो तख्ताजन, तख्ताजन का सिस्टम, तीसरा एग्जाम्पल है क्रांतिस्ट का सिस्टम और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है देखो चार्ल्स एडविन इन द बेसी का सिस्टम। बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स एडविन इन द बेसी का सिस्टम। ये हो गया क्लासिफिकेशन का बेस, ये पूरा बेस है, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे हम इसका बेल्थम एंड हुबर्ट सिस्टम को और एंगलर एंड प्लांटर सिस्टम को। ठीक है, अगर परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि प्राकृतिक वर्गीकरण को लिखिए करके, तो बेल्थम एंड हुबर्ट सिस्टम को पूर्णता लिखना है, इस इंट्रोडक्शन को देना है, नेचुरल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, है ना, नेचुरल सिस्टम मतलब क्या होता है बोलो कोई, क्या होता है अभी क्या बताया मैंने, नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, मैं बोला इसका जो स्ट्रक्चरल जो समानता है ना, संरचनात्मक समानता और नेचुरल एफिनिटी, प्राकृतिक बंधुता का आधार पर क्या करते हैं इसको वर्गीकरण करते हैं, ये क्या कहलाता है, नेचुरल सिस्टम। जबकि फैलोजेनेटिक को क्या करते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, है ना, उसका उत्पत्ति और विकासात्मक इतिहास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वो क्या कहलाता है, फैलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेल्थम एंड हुबर्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम, नोट कर लिया, यस सर। ठीक है, अब हम देखेंगे बेल्थम एंड हुबर्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेल्थम एंड हुबर्ट, बेल्थम एंड हुबर्ट का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। देखो इसका थोड़ा सा डिटेल अगर जिसको को देख लो, जॉर्ज बेल्थम 1883, है ना, जॉर्ज बेल्थम 1883
1884 और दूसरा है सर जोसेफ डी हुकर 1817-1911 है ना। ये दोनों कहां पर थे? क्यू बॉटनिकल गार्डन में टैक्सोनॉमी के थे है ना। बेंथम एंड हुकर दोनों कहां पर थे? क्यू बॉटनी, देखो एक बॉटनिकल गार्डन है क्यू बॉटनिकल गार्डन, वहां पर से दोनों क्या थे? टैक्सोनॉमी के थे है ना। इनका काम ये था टैक्सोनॉमी का प्लांट को वर्गीकरण करना इनका काम था है ना। अब देखो इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया था जिसे बोलते हैं जेनेरा ऑफ प्लांटेरा, क्या बोलते हैं? जेनेरा ऑफ प्लांटेरा है ना। ये आपको क्या बोलते हैं, देखो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देते हैं तुम लोग तो वहां पर पूछता है जेनेरा ऑफ प्लांटेरा किसका किताब है करके, आपको याद रखना है बेंथम एंड हुकर की किताब है ना। एक और पॉइंट बनता है कि बेंथम एंड हुकर किस बॉटनिकल गार्डन से संबंधित है ना, तो किससे संबंधित है? क्यू बॉटनिकल गार्डन से संबंधित है ठीक है। अभी देखो इन्होंने जो डी कैंडो, देखो इनका जो वर्गीकरण का मुख्य आधार था डी कैंडोले का वर्गीकरण पद्धति है ना। डी कैंडोले ये भी ये क्या है? टैक्सोनॉमिस्ट थे है ना। और डी कैंडोले इनमें से किसी एक का रिलेटिव है ना, ये हुकर का मेरे ख्याल से रिलेटिव था वो है ना। तो उन्हीं का जो, क्योंकि वो पहले क्या क्या था टैक्सोनॉमिस्ट था, तो उन्हीं का जो सिस्टम है उसको आधार मान के बेंथम एंड हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया है ना। कोई भी जानकारी क्या होती है पहले से आधार चाहिए है ना, डायरेक्टर तो कोई भी जानकारी नहीं जन्म लेता है ना। तो डी कैंडोले का जो वर्गीकरण पद्धति का इनका मुख्य आधार था है ना। और इन्होंने अपने जो पुस्तक में 202 फैमिली है ना, जिसमें कितना 7575 जो देखा है और 97205 स्पीशीज को सम्मिलित किया था ठीक है। टोटल ये नंबर तो दिख लो है ना, कितना इसका देखो नंबर को है ना, 202 फैमिली ठीक है, इनमें लिखो 202 फैमिली और 7579 जेनेरा और स्पीशीज है इसका 97205 ठीक। इतना स्पीशीज का इन्होंने वर्णन किया जेनेरा प्लांटेरा ठीक है। और अभी तक का जो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम का है ना, ये बहुत ही मजबूत क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। और इतना प्लांट का स्टडी करके क्लासिफाई करना है ना आम इंसानों की बात नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि इतना प्लांट अगर हम देखने बैठ जाए तो जिंदगी बिताए ठीक। इतना प्लांट के बारे में इन्होंने क्या किया वर्णन किया ठीक है। और वो तब संभव हुआ था पहले इनके वर्गीकरण का जो आधार मुख्य था, क्योंकि पूरा जो काम था डी कैंडोले साहब का वर्ग था और डी कैंडोले का जो वर्ग को इन्होंने आगे बढ़ाया तब जाकर के जेनेरा प्लांटेरम हमको मिला और जेनेरा प्लांटेरम से हमको इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला है ना। और हम अपने कोर्स में जितना पढ़ते हैं वहां की स्पीड प्रोडक्शन है, समझ रहे हो, जितना ही पढ़ते हैं कोर्स में वो सिर्फ है इंट्रोडक्शन है। तो देखो इन्होंने जो क्या किया था, देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में तो क्या लिखते हैं, सीड प्लांट, सीड प्लांट लिख दिया था तो ठीक है। सीड प्लांट और क्या बोलते थे, एंड्रोगेन्स, क्या बोलते हैं, एंड्रोगेन्स। सीड प्लांट को हम नाम जानते हैं एंड्रोगेन्स के नाम से और सीड प्लांट को तीन ग्रुप में बांटा गया, डाइकोटिलेडोनी, मोनोडिस्पर्मी और मोनोकोटिलेडोनी। पहला ग्रुप का नाम है डाइकोटिलेडोन, देखो इन्होंने इसको तीन ग्रुप में बांटा और तीन ग्रुप है, पहला ग्रुप का नाम है डाइकोटिलेडोन
मोनो ईश्वर नहीं, कृष्णा है जिनमें ईश्वर नहीं, ठीक है। तीन भाग इन्होंने बांटा। अब देखो इन्होंने जो दाई को लड़ी है ना, तो जिम्नोश्वर में देखो अगर इधर से लिखते हैं तो जिम्नोश्वर में कितना सीरीज था, सेवन सीरीज, ठीक है। जिम्नोश्वर में का सेवन सीरीज कितना था, ठीक है, सेवन सीरीज को देखेंगे बाद में। और जिम्नोश्वर में तीन ऑर्डर 44 जनरा और 415 ईसवी, कितना ऑर्डर, तीन ऑर्डर 44 जनरा और 415 ईसवी, इतना को इनमें स्थान देना मोनो ईश्वर में। अरे आगे भी छोड़ रहे ना, ये है आपका जिम्नो ईश्वर है, ये है आपका मोनो ईश्वर। ये क्या जिम्नो ईश्वर में कितना, तीन ऑर्डर 44 जनरा और 415 स्पेशली, और जो मोनो ईश्वर में सेवन सीरीज उसको मॉडल। अब हम देखेंगे जो डाइकोटिलेडॉन को फिर से इन्होंने पुनः तीन क्लास में बांटा, इस डाइकोटिलेडॉन को इन्होंने पुनः तीन क्लास में बांटा। और जो तीन क्लास में देखो क्या क्या है, पहला है पॉलीपेप्टाइड, दूसरा है डेमोपेटली, ठीक है, और तीसरा है मोनोक्लेमेटली। तो इन्होंने तीन जो क्लास में बांटा, ठीक है, क्या क्या क्लास है, पॉलीपेटली, ठीक है। तो पॉलीपेटली में ऐसे जो प्लांट पूरा था जिनका पेटल, समझ रहे हो, सेपल पेटल जानते हो ना, जिनका पेटल फ्री थे, ठीक है, पेटल क्या जिनका फ्री थे, ऐसे जो प्लांट क्या उनके था पॉलीपेटली, ठीक है। केमोपेटली में ऐसे जो प्लांट पूरा था जिनका, देखो ध्यान देना, केमोपेटली में ऐसे प्लांट समूह को रखा जिसका पेटल आपस में जुड़ा हुआ था, क्या हुआ थी, पेटल इसका जुड़ा हुआ था, ऐसे को इन्होंने किसमें रखा, गेले को, और तीसरा क्या था, मोनोक्लेमेट। मोनोक्लेमेट में देखो अगर देखो पेटल फ्री है तो क्या पॉलीपेटली जुड़ा हुआ है, तो गेमीपेटली, ठीक है। अगर सेपल और पेटल में विभेदित ना हो, ठीक है, उसके जगह में क्या पाया हो, पेरिंथ पाया जाने वाला, सेपल और पेटल में पेरिंथ पाया जाने वाला जो पौधे थे उसको मोनोक्लेमेटिक रखा, मोनो मतलब बोल है ना, तो मोनोक्लेमेटिक में पेरिंथ को रखा गया। इस प्रकार क्या है, इसका बेसिक है ना, और इसी मन को फिर पॉलीपेटली गेमोपेटली और मोनोक्लेमेटली, इसका फिर से अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जिम्नोस्पर्म में कहीं पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में कभी देखो इन्होंने तीन ऑर्डर कर रखा, निकेल्थ, साइकोडेल्थ और कोनिफरेंस, ये जिम्नोस्पर्म में पुनः इन्होंने तीन ऑर्डर में बांटा। Middle East,
साइकेडेलिक्स और तीसरा है कोनिफर्स, ठीक है। तो इसको पुनः अपनी ऑर्डर में बांटा और इसके बाद में जो मोनोपेल्टेरी का इसका जो सीरीज है कितना सीरीज है, सेवन सीरीज। वो सेवन सीरीज का नाम हम कोनी को दिखे जब मुझे यहां से, है ना। पहला सीरीज देखो माइक्रोस्पर्मी, पहला सीरीज का नाम है माइक्रोस्पर्मी। दूसरा सीरीज लिख लो इपिगाइनी, सीरीज दूसरा का नाम लिखो इपिगाइनी, और सीरीज तीसरा का नाम लिखो कोरोनरी। सीरीज फोर का नाम लिखो पेनिसिलिन, और सीरीज फाइव है नोडिफ्लोरिन। सीरीज सिक्स है एपोकार्पिन, और सीरीज सेवन है ग्लूवेसी, ठीक है। अब हम कल क्लास में इसका डिटेल करेंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टिडनी और गेमोपेप्टिडनी, इस पॉलीपेप्टिडनी और गेमोपेप्टिडनी को डिटेल में करने के बाद, ठीक है। तो बाकी बच्चे लोग जितने लोग क्लास को डेली आओ, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में जितना यहाँ पर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन में उतना मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉलेज आकर के अटेंड करें ज़्यादा अच्छा है ना। टेबल पर से जाने देना, बाकी सब लोग भी ऑनलाइन लेंगे।